ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन। पिछले 27 साल में गुजरात में इतने लोगों ने आंदोलन किए, इतने लोगों ने आंदोलन, पाटीदार आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, पुलिस पे ग्रेड आंदोलन हुआ, क्षत्रिय समाज का आंदोलन हुआ, उन पे इन्होंने झूठे केस कर दिए। 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनेगी, 31 दिसंबर तक 15 दिन में सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, सबको उनके घर भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सर्वे कराए कि सबसे ज्यादा महंगाई कहाँ है, उसमें पता चला सबसे कम महंगाई दिल्ली में है और सबसे ज्यादा महंगाई गुजरात में। इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं आजकल गुजरात, चुनाव का टाइम है, आके कहते हैं 30,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। दोस्तों मेरे पास 30,000 करोड़ नहीं है, मैं आपको पैकेज नहीं दे सकता, मैं ये बता सकता हूँ कि जीत गए तो आपके परिवार को हर महीने 30,000 रुपए का फायदा करा दूंगा। एक बार सब लोग जोर से दोनों मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। केम छो, मजा मा, बहुत अच्छे। सबसे पहले महाराजा कृष्ण कुमार जी को मैं नमन करता हूं। गजब के सच्चे देशभक्त थे वो। जब सरदार पटेल 1947 में देश आजाद होने के बाद पूरे देश को एक करने के लिए एक 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 राजा के पास गए कि आप भारत में जुड़ जाइए, भारत में जुड़ जाइए, तब सबसे पहले अपनी रियासत को भारत के साथ जोड़ने वाले महाराजा कृष्ण कुमार थे। मैं उनको पूरे दिल से नमन करता हूं और आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को लगता है कि महाराजा कृष्ण कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए? तो आज इस सभा से हम लोग केंद्र सरकार से विनती करते हैं हाथ जोड़ के, कि इतने बड़े सच्चे देशभक्त को आजादी के 75वें साल में भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इससे भारत रत्न का मान बढ़ेगा। अभी जैसे मुझसे पहले ईशुदान भाई ने कहा, भगवंत मान जी ने कहा, हम जितनी बार आते हैं इतना प्यार हमें मिलता है, इतना प्यार मिलता है गुजरात के लोगों से। आज हम एक सभा में जाते हैं, वहां पता चलता इतने लोग आए थे, इतना प्यार, इतना विश्वास लोगों का। अगले दिन जाते हैं और ज्यादा प्यार, और ज्यादा प्यार। मैं इतना ही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आपके प्यार को, आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, एक एक वादा पूरा करूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है, मेरा वचन है आपके सामने, जो मैं बोलता हूं वो करता हूं, आपका एक एक वादा पूरा करूंगा जो आपके सामने कह के जा रहा हूं। पूरा गुजरात इस टाइम बदलाव चाह रहा है, बदलाव की आंधी चल रही है चारों तरफ, गजब का कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है पूरे गुजरात के अंदर, देवी की कृपा हो रही है, भगवान की झाड़ू चल रही है। चल रही है कि नहीं चल रही है? किस किस को बदलाव चाहिए, किस किस को परिवर्तन चाहिए? सबको परिवर्तन चाहिए, थक गए हैं लोग, 27 साल थक गए हैं लोग, सबको परिवर्तन चाहिए, सबको बदलाव चाहिए। और आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई है, केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, आईबी कहते हैं उसको, खुफिया एजेंसी है, उसने गुजरात में घूम घूम के सर्वे किया, लोगों से पूछा, उसकी रिपोर्ट आई है
कि गुजरात के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है गुजरात में। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, आपका बदलाव का सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन अभी जीत थोड़ी सी किनारे पे है, मार्जिन पे है, कम है। 92-93 सीट आ रही है, कम सीट आ रही है। एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा, जोर से धक्का लगाना पड़ेगा। 92-93 से काम नहीं चलेगा, नहीं तो ये तोड़ देंगे सरकार, खराब कर देंगे सरकार। बड़े बदमाश हैं ये लोग। जोरदार धक्का लगाओ कि 150 सीट आनी चाहिए, 150 पार होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 150 सीट आनी चाहिए तो स्थिर सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी और सारे वादे पूरे करेंगे। स्कूल भी बनाएंगे, अस्पताल भी बनाएंगे, बिजली भी, सारा काम करेंगे। 8 दिसंबर को गिनती है, 9 दिसंबर को सरकार बनेगी, एक हफ्ते बाद 15 दिसंबर को सरकार बन जाएगी। सबसे पहला काम करेंगे, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, पिछले 27 साल में गुजरात में इतने लोगों ने आंदोलन किए, इतने लोगों ने आंदोलन किए, उन आंदोलनकारियों के खिलाफ इन्होंने झूठे पर्चे कर दिए, झूठे केस कर दिए। पाटीदार आंदोलन हुआ, बच्चों को, युवाओं को पकड़ पकड़ के झूठे केस बना बना के जेल में डाल दिया, अभी तक बेचारे जेल में सड़ रहे हैं। किसान आंदोलन हुआ, किसानों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया, उनके ऊपर झूठे केस चल रहे हैं। अभी मालधारी आंदोलन चल रहा था, पिछले दिनों मैंने देखा, उन लोगों के ऊपर झूठे केस कर दिए इन्होंने। ठाकुर आंदोलन हुआ, पुलिस पे ग्रेड आंदोलन हुआ, क्षत्रिय समाज का आंदोलन हुआ, उन पे इन्होंने झूठे केस कर दिए। दलित समाज का आंदोलन हुआ, आदिवासी समाज का आंदोलन हुआ, कई कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर, वीसी, कई लोगों का आंदोलन, कई कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, एक्स सर्विसमैन का आंदोलन हुआ। 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनेगी, 31 दिसंबर तक 15 दिन में सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, सबको उनके घर भेज दिया जाएगा। सारे केस वापस ले लेंगे, जिन जिन कर्मचारियों को इन्होंने सर्विस से निकाला है, सस्पेंड किया है, उन सबको वापस सर्विस में बहाल किया जाएगा, उन सबके खिलाफ केस वापस लिए जाएंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है, कहते हैं घाटे में चल रहा है गुजरात। क्यों घाटे में चल रहा है गुजरात? कहां गया सारा पैसा इनका? एक एमएलए मिला, सुना उसके बारे में? मिला नहीं, सुना मैंने उसके बारे में। गुजरात का है, इन्हीं की पार्टी का है। जब चुनाव लड़ा, वो चुनाव लड़ने के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल के बाद उसके पास 1000 एकड़ जमीन है, 1000 एकड़ जमीन। लूट लिया इन लोगों ने गुजरात को, इतना जमीन खरीद ली, इतने कोठियां बना ली, इतना पैसा जमा कर लिया, स्विस बैंक में भर लिया, विदेश ले गए पैसा। कहते हैं गुजरात घाटे में चल रहा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए हर साल गुजरात सरकार खर्च करती है, गुजरात का बजट 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़। और ये किसका पैसा है? आपका पैसा है। आप रोटी खाते हो उस पे पैसा लगता है, पराठा, आज पराठे के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया इन्होंने। दूध पीते हो उस पे टैक्स लगता है, छाछ पीते हो उस पे टैक्स लगता है, दही खाते हो उस पे टैक्स लगता है, पंखा चलता है उस पे टैक्स लगता है, मोबाइल इस्तेमाल करते हो उस पे टैक्स लगता है, सोते हो तो टैक्स लगता है, जागते हो तो टैक्स लगता है, नहाते हो तो टैक्स लगता है, हर चीज पे टैक्स लगता है। इतना इन लोगों, अरबों खरबों रुपए इनके पास है सरकार के पास, 2.5 लाख करोड़ रुपए हर साल गुजरात सरकार खर्च करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गांव में सड़क बनी? आपके गांव में कोई स्कूल बना?
27 साल में कोई आपके गांव में अस्पताल बना, कोई कॉलेज बना? कहां गया सारा पैसा? खा गए ये लोग, खा गए ये लोग, सारा पैसा खा गए। हमारी सरकार बनेगी, एक एक पैसा इनसे निकलवाएंगे, हाथ गले में डाल के इनका सारा पैसा बाहर निकाल, इनके हलक में, इनके गले में हाथ डाल के सारा पैसा इनका बाहर निकालेंगे। निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए? गुजरात के लोगों के एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए? छोड़ेंगे नहीं इनको, बख्शेंगे नहीं इनको, सारा पैसा इनसे वापस लेना। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे गुजरात को, पहली बार गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलेगा। हमारा कोई मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, हमारा कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा, हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा। अगर हमारा कोई आदमी भ्रष्टाचार करेगा सीधा जेल जाएगा। हमारा भी कोई भ्रष्टाचार करेगा बख्शेंगे नहीं उसको। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में भगवंत मान साहब ने कमाल कर दिया, उन्होंने हमारा एक मंत्री पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर कुछ गड़बड़ कर रहा था, अभी मीडिया को नहीं पता था, अभी अखबार वालों को भी नहीं पता था, टीवी वालों को भी नहीं पता था, अभी विपक्ष को भी नहीं पता था। मान साहब के कान में आके किसी ने कहा आपका सर हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने पता कराया, चेक कराया, वो गड़बड़ कर रहा था। पता इन्होंने क्या किया? अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई करता है? कोई करता है? कलयुग का जमाना है, इस कलयुग के जमाने में कोई अपने मंत्री को जेल में डालता है? अपने मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी है हमारी, कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार सरकार दिल्ली में और पंजाब में। अपने को भी नहीं बख्शेंगे, कट्टर ईमानदार सरकार देंगे। और जब आप सरकारी दफ्तर में जाते हो, पैसा देते, पैसा देना पड़ता है काम कराने के लिए, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे तहसीलदार के यहां जाना पड़े, चाहे पुलिस में जाना पड़े, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? अब 15 दिसंबर के बाद बिना पैसे के आपका काम होगा, आपको एक पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, आपको दफ्तर जाना ही नहीं पड़ेगा। हमने दिल्ली में ऐसी व्यवस्था कर दी कि अब आपको दफ्तर नहीं जाना पड़ता, हमने सरकारी दफ्तरों पे ताला लगा दिया दिल्ली में। आप फोन करो, एक फोन नंबर दे दिया, फोन करो, आप बोलो मेरे को ये काम कराना है, सरकार का एक अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाता है। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे आपको कोई दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी अफसर आपके घर आएगा, आपका काम करके जाएगा, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, बिना रिश्वत के आपके काम होंगे। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? करप्शन खत्म होगी, खूब पैसा बचेगा, खूब पैसा बचेगा, पैसे की कमी नहीं होगी, सरकार घाटे में नहीं चलेगी, खूब पैसा बचेगा। उस पैसे से सबसे पहला काम करेंगे आपकी बिजली फ्री कर देंगे। दिल्ली में जीरो बिजली का बिल आता है, पंजाब में जीरो बिजली का बिल आता है, गुजरात में भी अब बिजली का बिल जीरो आया करेगा 1 मार्च से। नोट कर लो, 1 मार्च से गुजरात के लोगों का बिजली का बिल जीरो आएगा। जितने पुराने बिजली के बिल थे आपके, किसी का 50,000 60,000 पुराना बकाया चला आ रहा है ना, कईयों का पुराना दे नहीं रखा या गलत आ गया, वो सारा पुराना माफ कर देंगे और नए बिजली फ्री कर देंगे, तो जीरो बिजली का बिल आएगा आपका। खुश हो? होना चाहिए? ये लोग मेरे को खूब गाली देते हैं, कहते केजरीवाल फ्री बिजली, फ्री बिजली क्यों दे रहा है, फ्री बिजली। अरे यार, बेचारे गरीब लोग हैं, गरीबों को अगर इतनी महंगाई के जमाने में अगर थोड़ी सी राहत दे दी, कौन सा बुरा कर दिया? आपके सीएम की, गुजरात के सीएम को हर महीने 5,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, गुजरात के मंत्रियों को 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने, जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक काम करेंगे, जितनी महिलाएं मैं देख रहा हूं, बहुत सारी मां बहनें आई हुई हैं यहां पे, बेटियां आई हुई हैं, हर 18 साल से ऊपर की हर महिला को,
हर महीने उनके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए डलवाया करेंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हर महिला 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देंगे। अगर किसी घर में 2 महिलाएं हैं, माँ है बेटी है, दोनों को अलग अलग 1,000-1,000 मिलेंगे, 2,000 मिलेंगे। अगर किसी घर में 3 महिलाएं हैं तो 3,000 मिलेंगे, अलग अलग 3,000 मिलेंगे, अलग अलग 1,000-1,000 मिलेंगे। हवे तुम्हारे चिंता करवानी जरूर नथी, तमारो भाई आवी गयो छे। दिल्ली में हमने बहुत शानदार स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूल, बहुत शानदार स्कूल बना दिए सरकारी स्कूल। उसमें गरीबों के अमीरों के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अब रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वकील बन रहा है। आप सोच के देखो, एक मजदूर का बच्चा अगर डॉक्टर बन जाए तो उनके घर की गरीबी दूर हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? शिक्षा, अच्छी शिक्षा देंगे। जैसे दिल्ली के अंदर हमने शानदार स्कूल बना दिए, पूरे गुजरात के अंदर, पूरे गांव गांव के अंदर शानदार स्कूल बनाएंगे, पूरे गुजरात के अंदर शानदार स्कूल बनाएंगे। दिल्ली के अंदर हमने शानदार अस्पताल बना दिए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। आपका 10 रुपए का इलाज है वो भी मुफ्त, आपकी दवाइयां मुफ्त, आपके टेस्ट मुफ्त, आपका ऑपरेशन 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का भी इलाज होगा, सारा मुफ्त, सारी दवाइयां सरकार से मिलती है। गुजरात के कोने कोने के अंदर हम शानदार अस्पताल बनाएंगे, पूरे गुजरात के अंदर शानदार अस्पताल, खूब अस्पताल बनाएंगे, खूब स्कूल खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मैंने पूरी प्लानिंग करी है गुजरात की, 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं, ढेर सारे अस्पताल बनाने हैं और 6.5 करोड़ गुजराती, एक एक गुजराती का, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, सबका इलाज, पूरा इलाज मुफ्त होगा। भगवान ना करे आपके घर कोई बीमारी हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो चिंता मत करना, आपकी सरकार आने वाली है, हम आपका ख्याल रखेंगे। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मेरे को बदमाशी करनी नहीं आती, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं मेरे को, सड़कें बनानी आती हैं। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए उनके पास चले जाना, भ्रष्टाचार चाहिए उनके पास चले जाना, 27 साल हो गए, 5 साल और ऐसे ही निकल जाएंगे। अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं तो मेरे को वोट दे देना। अगर आपको अपने परिवार के लिए अस्पताल बनवाने हैं, दवाइयां चाहिए, आपको अपने परिवार का इलाज अच्छा कराना है, मेरे पास आ जाना, मैं आपके परिवार का इलाज अच्छा कर दूंगा। अगर आपको सड़कें अच्छी बनवानी है, मेरे पास आ जाना, मैं आपकी सड़कें अच्छी बना दूंगा, वो काम मेरे को आते हैं। अभी अभी केंद्र सरकार का एक सर्वे आया है, केंद्र सरकार ने सर्वे कराए कि सबसे ज्यादा महंगाई कहां है, उसमें पता चला सबसे कम महंगाई दिल्ली में है और सबसे ज्यादा महंगाई गुजरात में है। गुजरात में दिल्ली से दुगनी महंगाई है, मतलब अगर 100 रुपए की कोई चीज दिल्ली में बिकती है तो गुजरात में वो चीज 200 रुपए की बिकती है, दुगनी महंगाई है गुजरात के अंदर। क्यों? क्योंकि गुजरात में इतना भ्रष्टाचार है। आप एक ईमानदार सरकार को वोट दोगे, आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, जैसे दिल्ली में सारी चीजें सस्ती कर दी, गुजरात में भी सारी चीजें सस्ती कर देंगे हम लोग। अभी मैं देख रहा था, इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं आजकल गुजरात, चुनाव का टाइम है, आके कहते हैं 30,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। सुना ना आपने, 30,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। दोस्तों, मेरे पास 30,000 करोड़ नहीं है, मैं आपको पैकेज नहीं दे सकता। मैं ये बता सकता हूं कि जीत गए तो आपके परिवार को हर महीने 30,000 रुपए का फायदा करा दूंगा, मैं आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिला दूंगा, अच्छी शिक्षा, आपके घर का, पूरे घर का मुफ्त इलाज करा दूंगा, आपके घर की बिजली मुफ्त कर दूंगा,
अगर आपके घर में कोई बेरोजगार बच्चा है, उसके लिए रोजगार का इंतजाम कर दूंगा मैं। जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता, 3-3 हजार रुपए महीना हर बेरोजगार को हर महीना देंगे। मैं देख रहा था टीवी में एक इनके बड़े नेता का इंटरव्यू, उससे किसी पत्रकार ने पूछा, गुजरात में इतनी बेरोजगारी क्यों है सर, आप कुछ करते क्यों नहीं? कहता, ये रोजगार के लायक नहीं है, ये निकम्मे हैं, इनको कुछ आता नहीं है, ये काबिल नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, हमारे बच्चों को निकम्मा कह रहे हैं, हमारे बच्चों को नाकाबिल कह रहे हैं। दोस्तों, इस बार दिखा देना इनको, जब वोट देने के लिए जाओ, जब बटन दबाओ, इनको बता देना इनके बच्चे निकम्मे हैं कि हमारे बच्चे निकम्मे हैं। मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। मेरे को आता है, दिल्ली में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया है मैंने 5 साल में। अभी भगवंत मान जी की सरकार बनी बनी है गुजरात में, इस पंजाब में 7 महीने के अंदर 20,000 नई सरकारी नौकरियां निकाली हैं भगवंत मान ने। गुजरात में हमने प्लानिंग करी है 10 लाख नई सरकारी नौकरियां निकालेंगे, 10 लाख नई सरकारी नौकरियां। कोई पूछ रहा था कैसे निकालोगे, इतने नए स्कूल बनाएंगे, इतनी भर्तियां होंगी टीचरों की, सफाई के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतनी नई भर्तियां होंगी, इतने नए अस्पताल बनाएंगे, बहुत प्लानिंग करी है मैंने गुजरात की, इतने नए अस्पताल बनाएंगे, उसमें इतनी भर्तियां होंगी। 10 लाख से बहुत ज्यादा सरकारी नौकरियां निकलेंगी। और मैं अभी थोड़े दिन पहले वडोदरा गया था, वहां मैंने देखा कुछ लड़के, 10-15 लड़के सड़क के किनारे खड़े होकर चिल्ला रहे थे, मोदी मोदी मोदी। मैं उन लड़कों को कहना चाहता हूं, बेटा जिसके नारे लगाने लगाओ, मेरे को कोई चिंता नहीं है, पर तुम्हारे को नौकरी तो मैं ही दूंगा जीतने के बाद, तुम्हारे घर की बिजली भी मैं ही माफ करूंगा। चाहे किसी के नारे लगाओ, मैं ये नहीं कह रहा किसी को वोट दो, चाहे बीजेपी को दो, चाहे कांग्रेस को दो, चाहे आम आदमी पार्टी को दो, सरकार बनने के बाद बिजली तो केजरीवाल ही मुफ्त करेगा, तुम्हारे घर की भी करेंगे, मोदी मोदी नारे लगाने वालों की भी करेंगे। फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा क्या मिलता है नारे लगा के मोदी मोदी, 27 साल हो गए कुछ मिला, क्यों ला नारे लगा रहे हो? कहता है, जी पैसे देते हैं इसलिए लगा रहे हैं, वोट तो आपको ही देंगे। एक अभी थोड़े दिन, अभी कौन सा पेपर फूटा है, अभी 2 दिन पहले, अभी एक और पेपर फूट गया 2 दिन पहले। बताओ, चुनाव सर पे है, चुनाव का टाइम है, तब भी इनसे पेपर नहीं होते। इनका इनकी नीयत इतनी ज्यादा खराब है, इनका पेपर क्यों फूटते हैं? इनके बड़े बड़े नेता शामिल हैं, बड़े बड़े नेता शामिल हैं। दोस्तों, हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले ये काम करेंगे, 2015 के बाद जितने पेपर फूटे हैं सारों की जांच दोबारा खोलेंगे, और इनके जितने बड़े बड़े नेता शामिल है 10 साल के लिए एक एक को जेल भेजेंगे, और जितने पेपर बाकी हैं अभी 1 साल के अंदर, मैंने पूरी प्लानिंग की है, फरवरी के अंदर तलाटी के पेपर कराएंगे, जून तक सब तलाटी की सारी भर्ती खत्म हो जाएगी, टेट के पेपर जून में कराएंगे, टेट के पेपर जून में कराएंगे, पुलिस की जितनी भर्तियां अगले साल अक्टूबर के अंदर होंगी, 1 साल के अंदर सारी भर्तियां पूरी कर देंगे, और 1 साल के अंदर सारी नौकरियां कंप्लीट कर देंगे। और अगर कोई पेपर फूटा, अगर हमारा वाले भी होना, उसको बख्शूंगा नहीं मैं, उसको जेल भेजेंगे 10 साल के लिए, उसको जेल भेजेंगे, पेपर नहीं फूटने देंगे एक भी। अभी पंजाब में एक भी पेपर नहीं फूटता, दिल्ली में एक भी पेपर नहीं फूटता, गुजरात में क्यों फूटते हैं? इनकी नीयत खराब है। किसानों को, अभी ईशुदान भाई का मैं सुन रहा था, उन्होंने सारी बातें कही, एक बात और मैं किसानों के बारे में कहना चाहता हूं, किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के अपनी फसलें उगाता है, जब मार्केट में बेचने जाता है तो उसको पूरा दाम नहीं मिलता। सरकार कहती है एमएसपी एमएसपी एमएसपी, इतना एमएसपी, लेकिन उतने में तो कोई खरीदता ही नहीं है माल, मार्केट में जाता है तो उससे बहुत कम में मिलता है, उसको बहुत कम में बेचना पड़ता है, मजबूरी में वो कम पैसे में बेच के आ जाता है।
जब उसको पैसा पूरा नहीं मिलता तो वो अपना कर्ज नहीं चुका पाता, कर्ज नहीं चुका पाता तो आत्महत्या कर लेता है। पंजाब के अंदर भगवंत मान जी ने 5 फसलों के ऊपर एमएसपी पे फसलें खरीदनी चालू कर दी। अब पंजाब सरकार खरीदती है फसल, एमएसपी के ऊपर अगर मार्केट में आपको दाम नहीं मिलता, मार्केट में कम है, तो आप पंजाब सरकार को बेच सकते हो। पंजाब सरकार की हर मंडी के अंदर एक काउंटर है, वहां जाके आप अपनी फसल बेच दो। तो पंजाब के अंदर 5 फसलों पे एमएसपी मिलता है, गेहूं, चावल, कपास, नरमा, मूंग दाल। गुजरात में भी 5 फसलों से शुरू करेंगे, गेहूं, चावल, कपास, मूंगफली, चना दाल। यही है ना ईशुधन, इन 5 फसलों पे एमएसपी देंगे। अगर आपको मार्केट में पूरा दाम नहीं मिलता तो आप सरकार को बेचो, सरकार आपकी फसल खरीदेगी, एमएसपी पे खरीदेगी। अगर आपको पूरी फसल का दाम मिलेगा, मेरा कोई किसान भाई उसके बाद आत्महत्या नहीं करेगा। और एक एक करके 5 से शुरू करेंगे, एक एक करके सारी फसलों को एमएसपी पे लेके आएंगे। दोस्त अगले साल अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। किस किस को जाना है राम जी के दर्शन करने के लिए? सारे जाना चाहते हैं, लेकिन पैसे नहीं है। और पूरा परिवार जाएगा, आना जाना, खाना पीना रहना, कहां से आएंगे इतने पैसे? दिल्ली में हमने अयोध्या जी के दर्शन कराने चालू कर दिए, लोग जा रहे हैं, स्पेशल ट्रेन जाती है, सरकार सारा पैसा देती है, सारा खर्चा सरकार उठाती है, आना जाना खाना पीना सब कुछ सरकार देती है। जब ट्रेन जाती है मैं उन्हें छोड़ने जाता हूं स्टेशन पे, जब ट्रेन आती है मैं उन्हें लेने जाता हूं। इतने खुश होते हैं लोग, इतने खुश होते हैं, इतनी दुआएं देते हैं इतने लोग। गुजरात के अंदर भी हमारी सरकार बनेगी, आपको अयोध्या जी के अंदर रामलल्ला के दर्शन करा के लेके आएंगे। ये इतनी मेरे को गालियां देते हैं, केजरीवाल फ्री क्यों दे रहा है, केजरीवाल फ्री क्यों दे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये राष्ट्र निर्माण का काम है, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम क्या हो सकता है? इस देश में पैदा होने वाले हर आदमी और हर औरत को अच्छा और फ्री इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, परिवार को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नेताओं को मिलती है तो जनता को मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? ये क्यों मेरे खिलाफ बोलते हैं, फ्री की रेवड़ी, केजरीवाल लुटा रहा है? केजरीवाल लुटा नहीं रहा, लुटा तो तुम लोग रहे हो। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर केजरीवाल ने स्कूल बनाने चालू कर दिए, अस्पताल बनाने चालू कर दिए, बिजली देनी चालू कर दी, तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं कहता हूं मैं स्कूल बनवाऊंगा, कहते नहीं नहीं स्कूल नहीं बनाने। मैं कहता हूं अस्पताल बनवाऊंगा, कहते नहीं नहीं अस्पताल नहीं बनाने। क्यों भाई? स्कूल और अस्पताल बनाने से तो देश का विकास होता है, ये मेरे को स्कूल नहीं बनाने देते। मैं कहता हूं मैं गुजरात में स्कूल बनाऊंगा, मैं गुजरात में अस्पताल बनाऊंगा, गांव गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा, लोगों का फ्री में इलाज करूंगा। नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, इससे घाटे में चली जाएगी सरकार। ये इसलिए मेरा विरोध करते हैं क्योंकि इनको डर लगता है इनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो कोई भी नेता अगर कहे कि फ्री की रेवड़ी, समझ लेना उस नेता की नीयत खराब है। वो नेता पैसे लूटना चाहता है, उसके अंदर काला है, उसके दिल में काला है। जो नेता कहे फ्री की रेवड़ी, समझ लेना उसका दिल काला है, वो पैसे कमाना चाहता है। दोस्तों पूरे देश के अंदर अभी बदलाव की आंधी चल रही है, इस बार पलट दो सब कुछ, बदल दो सब कुछ। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, कहते हैं ना डबल इंजन। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन चाहिए। ये डबल इंजन पुराना हो गया, 40-50 साल पुराने हैं दोनों इंजन। इस बार नया इंजन, नई पार्टी, नए चेहरे, नया विचार, नई ऊर्जा, नया सवेरा। नई पार्टी को वोट दो, ट्राई करके देखो एक बार। ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता,
एक बार ट्राई करके देखो, एक मौका देके देखो, एक मौका मांगने आया हूं। इन लोगों को तुमने 70 साल दे दिए, कांग्रेस को इतने साल दे दिए, 27 साल बीजेपी को, एक मौका केजरीवाल को देके देख लो। अगर मैं काम ना करूं अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा आपसे, एक मौका दे दो। और वो जो आईबी की रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कांग्रेस की 10 से भी कम सीट आ रही है, और ये 10 भी बीजेपी में चले जाएंगे उसके बाद, कांग्रेस को वोट दे के अपना वोट बेकार मत करना। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है इस बार, इस बदलाव का हिस्सा बनो। इसको कांग्रेस को वोट देके अपने गांव में सबको बोल देना, गली में सबको बोल देना, कांग्रेस को वोट नहीं देना। और यहां भी जितने लोग आए हुए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के, मैं भी कंगाल आदमी हूं, मेरे बैंक अकाउंट खाली है, 7 साल हो गए दिल्ली चलाते चलाते, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, अभी तक तो मेरे पास भी 100-200 करोड़ तो हो ही जाने चाहिए थे, मेरा बैंक अकाउंट खाली है। और ये भगवंत मान मेरे से भी बड़ा फक्कड़ है, ईशुदान उससे भी बड़ा फक्कड़ है, हमारे पास पैसा नहीं है, चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ेगा, गुजरात के भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा, सबको मिलके। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हमारी सरकार बनेगी, हम बिजली मुफ्त करेंगे, हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, हर महिला को 1000-1000 रुपए देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों को एमएसपी पे फसल देंगे, इतनी सारी गारंटी दे रहा हूं। आपसे दो गारंटी चाहिए, दो वचन चाहिए आप लोगों से। पहला, यहां से निकलने के बाद हर आदमी अपना फोन निकालेगा और जितने आपके व्हाट्सएप पे जितने आपके दोस्त यार रिश्तेदार हैं सबको मैसेज करना है, इस बार बदलाव के लिए मैं आम आदमी पार्टी को दे रहा हूं वोट, मेरे दोस्त मेरे भाई तुम भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना। ये मैसेज सबको भेज दो। करोगे? जो जो करेगा हाथ खड़े करो। यहां से निकलने के बाद वचन दो। वचन देते हो? गारंटी देते हो? यहां से निकलने के बाद व्हाट्सएप कर देना अपने सारे दोस्तों को रिश्तेदारों को कि भाई इस बार मैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है तू भी इस बार बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दे। दूसरा वचन, अपनी गली में जाओगे, मोहल्ले में जाओगे, गांव में जाओगे, घर घर जाके हर आदमी को 100-100 वोट आम आदमी पार्टी के लिए तैयार करने हैं, और खासकर कांग्रेस और भाजपा वालों को पलटना है, उनके साथ बैठना, उनको समझाना कि दोस्त क्या मिला अपने को कांग्रेस से, क्या मिला अपने को बीजेपी से, इतने साल उनकी गुलामी करी हम लोगों ने, एक मौका देके देखते हैं केजरीवाल को काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो अगली बार लात मार के भगा देंगे। एक मौका, एक, सब लोग अपनी अपनी गली में जाके बात करना। और बीजेपी वाले बहुत सारे हैं, वो अंदर ही अंदर चाह रहे हैं कि इस बार बीजेपी हारे। बहुत बीजेपी वाले मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर इस बार हरा दो इनको, बहुत घमंड हो गया इनको, बहुत अहंकार हो गया हमारी पार्टी को, वो बीजेपी वाले कहते हैं। तो मेरा सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से निवेदन है, जो जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, वो डरते हैं बीजेपी को छोड़ने से, उनको लगता है उनका धंधा बंद करा देंगे, उनको डर लगता है कि उनके ऊपर उनको तंग करेंगे, इसलिए मेरा सारे बीजेपी के नेताओं से जो जो हराना चाहते हैं निवेदन है, आप बीजेपी के अंदर रहो लेकिन काम आम आदमी पार्टी के लेकर, उनको हराने के लिए काम आदमी। तो दोस्तों 1.5 महीना रह गया बस चुनाव के लिए, इस 1.5 महीने में आप लोगों से विनती है, जितना हम सारे मिलकर दम लगा सकते हैं दम लगाते हैं, और एक नए गुजरात बनाएंगे, मिलकर नया गुजरात बनाएंगे जब नई सरकार बनेगी। भारत माता की।